4-5 महीने तो हो गए ना। चलो बढ़िया। नए बच्चे कौन कौन है जो पहली बार देख रहा है मुझे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हाथ उठाने दो भाई, हाथ काट के ले जाओगे। चलो सिलेबस सभी को पता है क्या क्या है? याद है? याद क्यों नहीं है यार? बताओ, 5 टॉपिक बताओ सिलेबस के, हिंदी के। नहीं है याद? कैसे अधिकारी बने हो गए रे? हाँ रस है? हाँ, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ, अलंकार नहीं है? देखो आवाज नहीं करेगा कोई, वरना उस समय सब पूछूंगा फिर पेपर 6 का भी। हाँ, ठीक है। छंद में कौन कौन से छंद है? अच्छा, आप लोगों को ना पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, पूरा सिलेबस, एक एक चीज क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले पाठ्यक्रम याद होना ही चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे अभ्यर्थी माने जाओगे, नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं। ठीक है, जैसे अभी इसने कहा कि अलंकार अलंकार नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई रस है तो रस कौन कौन से, छंद है तो छंद कौन कौन से, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, ये आपके काम को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास में एक छोटा सा एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम टॉपिक पर आएंगे सीधे कि क्या क्या हमें देखना है। तीन चीजें, 3 भागों में अपन एक बार सिलेबस को बांट देते हैं। एक ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल होगा, दूसरा जो सेमी कॉन्सेप्चुअल होगा, और तीसरा जो लेखन संबंधी होगा, जिसे आपको लेखन क्षमता बढ़ाकर ही सही आप कर सकते हैं। जैसे भाव पल्लवन रहता है, उसे आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अपठित गद्यांश में जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और अनुवाद में भी जितना अच्छे आप शब्दों का प्रयोग करेंगे उतने अच्छे आपको जो है वो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यदि हम लेखन संबंधी देखते हैं तो 3 रखते हैं, एक भाव पल्लवन रखते हैं। संक्षेपण है क्या? नहीं है, ठीक है। अनुवाद और अपठित गद्यांश, इन 3 टॉपिक में आपको पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए। तो यहां पर पूरे नंबर लाने की हमको कोशिश भी नहीं करनी। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो आपका अपठित गद्यांश है, अनुवाद है, और भाव पल्लवन। पल्लवन को या भाव पल्लवन को कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन, इसका मतलब है किसी भी पंक्ति का विस्तार करना। ठीक है, किसी भी पंक्ति का आप जब विस्तार करते हैं तो वो आपका भाव पल्लवन कहलाता है। अनुवाद पता है, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी दोनों करने को आएगा, और अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। बी नंबर में है जिससे क्वेश्चन भी बनेंगे और आपको शब्दकोश भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, पारिभाषिक शब्दावली, वर्तनी, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इस तरीके से कुछ वोकैब वाले टॉपिक भी हैं, उनको भी हमें देखना है। अच्छा, ये सेमी कॉन्सेप्चुअल इसलिए बोला क्योंकि यहां पर शब्द तो पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए,
ब्लूम शब्द की विशेषता लिखिए, ब्लूम शब्द के प्रकार लिखिए, ब्लूम शब्द के प्रकारों में अंतर लिखिए, ब्लूम शब्द और पर्यायवाची के बीच में अंतर लिखिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने मार्कर बनेंगे? 3 मार्कर बनेंगे ना, 3 मार्कर। ठीक है, जो लोग पेपर 1, 2, 3, 4 की तरह पेपर 5 और 6 को समझ रहे हैं तो वो समझना छोड़ दो। मैं इतने बच्चों से कह रहे हैं, नहीं सर अब तो 2 मार्कर हो गया है। बेटा पेपर 5 और 6 में कुछ नहीं बदला, पेपर 5, 6 में 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी होता है, 3 नंबर का भी होता है, 4 नंबर का भी होता है, 5 नंबर का भी होता है, 10 नंबर का भी होता है, 30 नंबर का भी होता है। आ रहा है समझ में? तो ये नहीं 2 मार्कर नहीं नया सिलेबस, पेपर 5 में नहीं बदला है। तो सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें सबसे पहले ना सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस में है क्या। तो 2 मार्कर पेपर 1, 2, 3 में बदला है, 4 में बदला है, 5, 6 में नहीं बदला। जैसे 6 में आप देखोगे तो 6 नंबर में एक 15 नंबर का पत्र, एक 15 नंबर का पत्र, एक 20 नंबर का निबंध और एक 50 नंबर का, खत्म। ये है, तो आपको सिलेबस को अच्छे से देखना। तो यहां पर 3 मार्कर बनेगा, 3 मार्कर में जितने स्टार्टिंग में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे ना वो आपके 3 मार्कर रहेंगे। तकरीबन 3 पंक्तियों में आपको इसका आंसर देना है। 2 मार्कर इसमें नहीं होता, होता है लेकिन दूसरे फॉर्मेट में होता है। कैसे होगा 2 मार्कर? कहेंगे कि भाई महेश का संधि विच्छेद कीजिए, ये 2 मार्कर का है। लेकिन यदि आपसे पूछा गया कि संधि की परिभाषा लिखिए तो ये 3 मार्कर का है। ठीक है, 3 नंबर का होगा, इसमें 2 नंबर के भी है, 1 नंबर के भी है। चलो तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो कॉन्सेप्चुअल है, कुछ सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाएंगे। कह देंगे कि स्वीकृत का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है, अंगीकृत का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है, सूक्ष्म का विलोम शब्द लिखिए, या फिर सूर्य का पर्यायवाची लिखिए, इसका तत्सम लिखिए, इसका तद्भव लिखिए, ये सीधे सीधे आएंगे। उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आता है आपका रस, छंद, संधि, समास, शब्द शक्ति, मध्य प्रदेश की बोलियां, ठीक है, इसके अलावा वाक्य संरचना, विराम चिन्ह, ठीक है, ये इस तरीके कुछ ऐसे है जहां पर आपको सीधा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि भाई रस क्या है। रस में भी आपको कितने रस पढ़ने पड़ेंगे? 11.5 रस पढ़ने पड़ेंगे। छंद में आपको केवल 3 रस की बात की, 3 छंद की बात की है। कोई बता सकता है कौन कौन से छंद? दोहा, चौपाई और सोरठा, ठीक है। और मैंने पहले भी बता चुका हूं ये तीनों छंद किस में आपको देखने को मिलते हैं? रामचरित, रामायण में नहीं रामायण में जो है वो ये छंद नहीं है, जो रामायण है वो श्लोक है, ठीक है। और रामचरितमानस में आपको क्या देखने को मिलता है? रस, आपका रस में आपको कौन सा रस मिलेगा? श्रृंगार रस, ठीक है। और छंद में देखेंगे तो दोहा, सोरठा और चौपाई। सबसे ज्यादा कौन सी है? चौपाई, सबसे ज्यादा चौपाई। तकरीबन 6 से 7 चौपाई के बाद में एक दोहा या एक सोरठा आता है, ठीक है, ये क्रमागत आपको देखने को मिलेगा। तो 3 भागों में बांटना है। अब डेली जो आपको काम करना है वो ये है कि 5 या फिर हम मान के चले 10 से 15 वो केव आपको डेली याद करना ही है। ये आप सुबह करिए, शाम को करिए, दोपहर में करिए, जब आपको करना है तब आप कीजिए, लेकिन कीजिए। क्यों क्यों करना है? क्योंकि यहां से ही आपको जो है, और ये आप इकट्ठा कर नहीं सकते, वरना हम सोचेंगे कि हम लास्ट में चलो एक बार पूरा पढ़ लें, इकट्ठा कर लें, तो फिर नहीं होगा। और थोड़ा बहुत याद हो भी जाएगा ना तो आप उतने ज्यादा प्रेशर में सब भूल जाओगे। प्रेशर तो पता ही होगा, एग्जाम दे रहे हो, हाँ, सही भी गलत करके आ जाते हो। अभी बहुत सारे बच्चे जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, एक वो अभी महाभियोग वाला जो आया था, राष्ट्रपति वाला, जो लोग नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं पॉलिटी से, वो लोग गलत करके आ रहे हैं। अब गलती उनकी नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं ना तो सही भी गलत हो जाते हैं।
तो ये कब गलत नहीं होंगे, जब आप बार 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 उसका अभ्यास करेंगे। तो लास्ट में सबसे ज्यादा जो गलत होते हैं वो ये होते हैं, और नंबर सबसे ज्यादा कटते हैं इससे कटते हैं। अच्छा एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, यहां से नंबर कट सकते हैं यदि ये दोनों याद है ना अच्छे से, ये दोनों अच्छे से किए तो यहां से नंबर कटने की जो है वो बहुत कम संभावना होती है, कटते ही नहीं है। यदि आपसे कहा गया भी महेश का संधि विच्छेद लिखिए तो आप महाधन ईश लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पेपर फाइव जो है वो बहुत ज्यादा अंक देने वाला पेपर है। सीधे सीधे पेपर वन टू थ्री में ये हो सकता है कि तीन जो पॉइंट दिए हैं आपने शायद वो उससे लिंक नहीं कर रहे हो, लेकिन महाधनीश का महेश ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको देना, तो डेली आपको 10 से 15 ये डेली याद करने ही हैं। तो कृपया करके ये थोड़ी बहुत टॉनिक आप लेते रहें दिन में एक बार, ठीक है, ये तीन चार दिन में एक बार चलेगा, क्योंकि भाव पल्लवन आप उठाइए किसी भी किताब में से या कहीं से भी जो पुराने पूछे गए हैं आप वहां से एक उठाइए, एक आध करके देखिए, अनुवाद में जो है वो थोड़े बहुत टेंसेज आप देख लीजिए, मॉडल्स आप देख लीजिए, उससे कवर हो जाएगा, और अपठित गद्यांश भी आप तीन चार दिन में एक देखें तो हो जाएगा। इसको डेली करने की आवश्यकता नहीं है, तीन चार दिन में एक बार करेंगे आपकी लेखन शैली सुधर जाएगी। और यदि आप भाव पल्लवन अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप पेपर सिक्स का निबंध वाला भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, भाव पल्लवन में थोड़ा सा लेखन का प्रयोग होता है तो वो हो जाएगा। ये आपको जो है ये भी डेली करना है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप देखते जाना। जैसे एक बार संधि हो गया तो संधि के जितनी भी एग्जाम्पल है वो थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे देखते रहना। जब यदि आप 100-150 एग्जाम्पल देख लेंगे और 100-150 के इतर भी कोई पूछा गया तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। यदि आप महेश कर पा रहे हैं तो आप रमेश भी कर लेंगे, आप सोमेश भी कर लेंगे, और कोई भी शब्द दे देंगे आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आपका जो है वो बार बार प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि अच्छा ए है ना, तो ए पर हम आ और ई लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है। तो इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कोशिश मतलब कम संभावना रहती है यहां पर गलत होने की, तो यहां पर नंबर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। यदि पूछा है संधि की परिभाषा लिखी है, समास की परिभाषा लिखी है, तो आपको परिभाषा ही लिखनी है, अंतर तो लिखकर नहीं आएंगे, बताओ। अरे मेरे सुनसान लोगों, ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो नए टॉपिक पर चलते हैं। तत्सम तद्भव मैं थोड़ा बहुत रहा था, बट अभी सब दो चार महीने बाद जो है वो क्लास लग रही है, तो एक नया टॉपिक लेते हैं, नए टॉपिक के बाद हम शुरू करें। छंद हो गया था क्या? नहीं हुआ था, चलो छंद से शुरू करते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मीटर, ठीक है, छंद। छंद, छंद क्या है? पहले तो ये देखें कि भाई ये कौन से धातु से बना हुआ है। धातु का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मेटल की बात कर रहे हैं कि हम, कि लोहे से बना है, कि चांदी से बना है, सोने से बना जी? मूल शब्द क्या है? एक्चुअल में हमारी जो हिंदी है, हिंदी का जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसके जो मूल में है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा में जो धातु चलती है या जो क्रिया का रूप चलता है वही आपका मुख्य रूप से धातु होता है, ठीक है। जैसे यदि हम कहें, हम अभी हिंदी में बोलते हैं पीना, यह बना हुआ है पिव धातु से, मतलब जब आप संस्कृत में यूज करेंगे इसका तो वो क्या होगा? पिवती, ठीक है। तो पिव शब्द का होता है पीने के लिए, तो एक्चुअली में एक धातु होती है जो संस्कृत का मूल शब्द होता है। तो यहां पर जैसे अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द किस में मिलते हैं? लैटिन में मिलते हैं, ठीक है। हमारे हिंदी के शब्द किस में मिलते हैं? संस्कृत में मिलते हैं, ठीक है। अरबी शब्द, अरबी शब्द का मूल रूप कौन सी भाषा है? हाँ 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 सही बोला था, फारसी। फारसी भाषा जो है उसमें आपके अरबी भाषा में फारसी भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं जो मूल रूप से होते हैं, ठीक है। तो यहां पर छंद शब्द बना है छद,
और छद का मतलब होता है आह्लादित करना। अब आप कहोगे सर ये आह्लादित का मतलब क्या है, इसका मतलब है आनंदित करना या फिर खुश करना। कई सारे इसके अर्थ निकल कर आते हैं, आह्लादित करना, खुश करना या फिर आनंदित करना। मूल रूप से यदि हम बात करें तो हमारे साहित्य में तीन गुण मुख्यतः होते हैं, एक होता है रस, एक होता है छंद और एक होता है अलंकार। तो विगत चार वर्षों तक आयोग ने अलंकार को बहुत पूछा, ठीक है, अब अलंकार हटा दिया और अभी दो गुण अभी उसने रखे हुए हैं, एक है आपका रस और एक है छंद। इन तीनों के अलग अलग काम है। क्या करते हैं ये साहित्य में, रस करता है किसी भी चीज में भाव को पुट करना, आपके इमोशंस को डालता है कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप क्या फील करेंगे, ये कौन बताएगा, रस बताएगा। यदि आप कोई मूवी देखने गए और यदि उसमें भूत दिखा तो आप खुश होंगे या डरेंगे, तो डरेंगे। तो जैसा दृश्य होगा, जैसा काव्य होगा, आप वैसा फील करेंगे और ये क्या होता है, ये रस करता है, ठीक है। आप खूबसूरत चीज को देखते हैं तो आप उसे देखकर खुश हो जाते हैं, तो ये कौन कर रहा है, ये रस कर रहा है। आपने भयानक चीज देखी और आप डरने लगे, ये कौन कर रहा है, रस कर रहा है। आपने कोई ऐसी वस्तु देखी जिससे आपको घृणा पैदा हो जाए तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो है फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब आप किसी भी चीज को फील कर रहे हो तो आप उसके विपरीत कभी रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे यदि आपको भूत देखा तो भूत देखने से सामान्यतः लोग डरते हैं और आप उसे गले लगा रहे हो और आपने उसको गले लगाया तो क्या आपके अंदर भयानक रस होगा, नहीं होगा। तो कभी कभी चीजें विपरीत हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे किसी का बच्चा है और मां अपने बच्चे को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करती, ठीक है, वैसे तो करना चाहिए लेकिन नहीं करती, तो क्या वहां वात्सल्य रस होगा, नहीं होता। तो जिस प्रकार का दृश्य देखकर, जिस प्रकार का काव्य सुनकर, जिस प्रकार साहित्य पढ़कर यदि आप वैसा फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो वो काम करता है कौन, रस करता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। मतलब मेन पॉइंट क्या है, वो है रस। लेकिन कुछ छंद में आते हैं तो छंद करता है काम लय डालने का, गाने का, ठीक है, कि आप उस काव्य को गा सकते हैं या नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा, ठीक है। और इसे ही हमें पढ़ना है। अब जब किसी काव्य में कोई लय डाल दी जाए तो फिर वो हमें अच्छी लगेगी, खुश करेगी, इसलिए उस छंद को क्या कहा गया कि ये आनंदित करने वाला होता है, ये खुश करने वाला होता है। आ रहा है समझ में, कोई यहां तक दिक्कत, जिसको भी आए पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, तो छंद करता है लय डालने का काम। अलंकार, अलंकार करता है शोभा बढ़ाने का काम। शोभा बढ़ाना मतलब, शोभा बढ़ाना क्या होता, उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव करना, उसे आकर्षित करना कि सुनने के बाद में हमें ऐसा लगे और एक क्या बात कह दी। कभी कभी आता नहीं, जैसे रील्स आप स्क्रॉल करते हैं और कोई कुछ बोलते हुए मिल गया, कुछ शायरियां सुनाते हुए मिल गया, ठीक है, आपके तो और एक क्या बात कर दे, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअल में अलंकारों का प्रयोग होता है, ठीक है, कि जहां पर आप चीजों को अट्रैक्ट करें। एक होता है आप बहुत सुंदर हो, तो ये सीधी सीधी बात हुई, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन अभी हमने कहा कि तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो, ये ज्यादा अच्छा लगा ना, दोनों में एक ही बात कही है लेकिन एक में थोड़ी लीपापोती की गई है कि सामने वाले को अच्छा लगे और एक में सीधी सीधी बात कह दी गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम
तुम्हारा हृदय कठोर है, तो ये सीधी बात मैंने, और कहा गया कि तुम्हारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। जालिम व्यक्ति, तो क्या होगा कि यहां पर अलंकार का प्रयोग होगा। तो एक बात सीधी कह सकते थे और एक बात थोड़ी सी लेपित करके अट्रैक्टिव कर सकते थे। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, और एक व्यक्ति कह रहा है उसी बात को कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अब तोड़ के तो नहीं लाएगा कि लाएगा? नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी उसने ये बताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, उसको इस तरीके से जोड़ के। तो ये किस में होता है? अलंकार में होता। एक अलंकार आपने सुना होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसका एक हम मुहावरे में पढ़ता है कि अतिशयोक्ति करना। अतिशयोक्ति करना का मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका अलंकार, बट अलंकार है नहीं। बट तीनों गुणों को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां पर हम ये समझे कि हमारा जो काव्य है वो किन किन चीजों से बना है। उसमें भाव डाले गए, उसमें लय डाली गई, और उसको शोभा बढ़ाने के तत्व डाले गए। ये तीनों चीजों को डाला गया तब एक काव्य काव्य बना। काव्य का मतलब समझते हैं? किस किस को नहीं पता काव्य का मतलब, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता, बहुत बढ़िया। काव्य का मतलब होता है पोइट्री, ठीक है, जिसको गा सकते हैं। जिसे गाया जा सके। और काव्य, काव्य का ही जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पद्य, और इसी के विपरीत क्या होता है? गद्य, जिसे पढ़ा जा सके। तुम बाजा जा रहे हो, ये गद्य है या पद्य है? ये है गद्य, ठीक है। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, ये क्या है? अब देखो, पहले में मैंने केवल इसको पढ़ा था और बोला था, लेकिन पद्य में मैं उसको गा रहा हूं, और जहां पर गाने की बात आती है वो काव्य बन जाता है या पद्य बन जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोज, और इसे कहा जाता है पोइट्री, ठीक है। प्रोज जो होता है मतलब जिसे पढ़ा जा सके, और पोइट्री मतलब जिसे पढ़ा तो जा सके जिसके साथ में गाया भी जा सके, ठीक है। और काव्य का जो मुख्य एलिमेंट होता है वो क्या होता है? छंद होता है, कि जिसे हम गा सकते हैं, ठीक है। जैसे सविंदु सिंधु सुष्कल तरंग भंग रंजितम, दुशस्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम, कृतांत भूत काल दूत भीतिहारी वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो आप देखेंगे तो एक लय चल रही है, और आप जब आप उनको काउंट भी करोगे ना तो हर एक में, हर एक जैसा एक एक पैटर्न मिलेगा, और वही पैटर्न जो है वो छंद। इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं, आपको केवल पैटर्न समझना है। छंद में यदि आप पैटर्न समझ गए तो आपको दुनिया का कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी, आप उसको पता कर लोगे कि इसमें कौन सा छंद। और अच्छी बात यह है कि हमारे आयोग ने हमें केवल तीन छंद दिए, एक दिया है दोहा, एक दिया है सोरठा, और एक दिया है चौपाई। तो हमें इन तीनों का पैटर्न समझना पड़ेगा कि लास्ट में क्या आएगा, इसे पढ़ा कैसे जा सकता है, हर एक चरण में कितनी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को, ठीक है। अभी चलो वापस आते हैं। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? चलो, छंद छद धातु से बना है। सेकंड नंबर लिखिएगा, जो छंद के प्रवर्तक है वो है पिंगल मुनि। पिंगल मुनि, जैसे अलंकार को आपको भामह मिलते हैं, रस के जो है वो भरत मुनि मिलते हैं, ऐसे ही छंद के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके पिंगल, ठीक है, पिंगल। इसलिए छंद का एक और नाम है, छंद का जो एक और नाम है वो है पिंगल।
यदि कहा जाए छंद का दूसरा नाम बताइए तो आप क्या लिख देंगे, पिंगल लिख देंगे, क्योंकि इसके जो आदि प्रवर्तक हैं, जो प्रवर्तक हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बारे में उन्होंने लिखा, वो किसने लिखा है, पिंगल। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक बात और है, जब हम बात कर रहे हैं आदिकाल की, आदिकाल क्या है भाई, हिंदी साहित्य के चार काल हैं, एक है आदिकाल, एक है भक्तिकाल, एक है रीतिकाल और एक है आधुनिक काल, ठीक है। तो उसमें एक आदिकाल है, आदिकाल का समय जो है वो है 1100 से 1350, ये समय है। इस समय में दो शैलियां चल रही थी, दो शैली, और दो शैली में एक शैली थी पिंगल और एक थी डिंगल। एक शैली थी पिंगल और एक थी डिंगल। पिंगल मतलब जो सुनने में बड़ी मधुर सी लगे, और डिंगल जो सुनने में थोड़ी कर्कशी लगे, जिसमें कहीं तुक ना मिल रहा हो, तो उसे डिंगल कहते थे। और जितने भी आपके जैन धर्म, जैन साहित्य थे, जितने भी सिद्ध साहित्य थे, वो सब किस में लिखे गए थे, डिंगल में, और जो सामान्य थे वो पिंगल में लिखे गए थे। आपको शायद एक साहित्य याद होगा, पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा था, चंद्रबरदाय ने। चंद्रबरदाय ने जो लिखा था वो आदिकाल में लिखा था, और किस शैली में लिखा था, पिंगल शैली में। और पिंगल शैली में जो लिखे गए साहित्य हैं वो ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले रहे, क्यों, क्योंकि वो सुनने में अच्छे प्रतीत होते थे, मधुर प्रतीत होते थे। तो जो अच्छे सुनाई देंगे, जो मधुर प्रतीत होंगे, वो ज्यादा चलेंगे, ठीक है। जो जिसमें थोड़ा बहुत अपभ्रंश का भाव हो, जिसमें थोड़े से जो जटिल से सुनाई दे रहे हैं, तो वो क्या होंगे, आपके डिंगल होंगे, और धीरे धीरे डिंगल फिर खत्म हो गया। इसलिए छंद का ही दूसरा नाम क्या मिलता है आपको, या तो पिंगल प्रवर्तक के कारण, या तो शैली के कारण, दो चीजें हो सकती। तो एक पॉइंट लिख लो आप यहां नोट डाल के, क्योंकि ये हो सकता है कि पूछा जा सके, ठीक है, ये लिखिए। छंद का अन्य नाम प्रवर्तक के आधार पर छंद एवं शैली के भी आधार पर छंद रखा गया है, सॉरी छंद नहीं, पिंगल, पिंगल रखा गया या पिंगल कहा जाता है। ये दोनों हो गए, एक तो शैली के आधार पर भी पिंगल है, और प्रवर्तक के आधार पर भी पिंगल। यहां तक क्लियर है देवेश, बढ़िया, ठीक, आगे बढ़े। छंद का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, छंद का जो पहला प्रयोग आपको कहां मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ध्यान रखिएगा, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी है और आपके यजुर्वेद में भी है, दोनों तरफ आपको मिलता है। पुरुष सूक्त का मतलब होता है जहां पर किसी आदि पुरुष के अंगों के अनुसार सृष्टि के बारे में बताया गया हो, वो पुरुष सूक्त है, ठीक है। और यदि बात की जाए जाति की, तो जाति या वर्ण व्यवस्था की भी बात सबसे पहले हमें किसमें मिलती है, पुरुष सूक्त में मिलती है। कौन सा मंडल ये, ठीक है, तो यहां पर आपको पुरुष सूक्त देखने को मिलेगा।
ये आपका दोनों में ही है। यदि हम बात करें तो दसवें मंडल ऋग्वेद में आपको पुरुष सूक्त मिलता है, लेकिन यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, कोई बता सकता है कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में आपको पुरुष सूक्त देखने को मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद में देखने को नहीं मिलता। जितने भी कर्मकांड होते हैं, यज्ञ याग आदि होते हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो उसको कराता है, या उसमें आपको उसके मंत्र देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। बाद में छंद का जो है वो विस्तारण कहां पर किया गया, तो वो है आपका सामवेद। और सामवेद में क्यों? क्योंकि सामवेद में किसकी बात की गई है, इसलिए गलती से भी मैंने दोनों चीजें इसलिए बता दी, क्योंकि आप ये मत लिख देना, क्योंकि हमने देखा कि भाई छंद को गाया जा सकता है, आपने वहां पर इसको मिलाया और फिर आपने देखा कि सामवेद संगीत का है। तो यदि पूछा गया कि प्रथम प्रयोग कहां मिला और आपने लिख दिया सामवेद, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला प्रयोग सामवेद में मिला नहीं है, उसका विस्तारण किया गया। पहला प्रयोग मिला है पुरुष सूक्त में, ठीक है, वो भी ऋग्वेद के, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद में छंद के हमें मुख्यतः चार प्रकार देखने को मिलेंगे, ठीक है, और चार प्रकार, हां, और यदि अंग की बात करें तो आठ अंग मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रकार अलग चीज होती है और अंग अलग चीज होती है। प्रकार कितने हैं? चार, और अंग कितने हैं? आठ। तो ये आपके चार प्रकार होंगे और अंग जो है वो आपके आठ होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इन्हीं को ही समझना है और अंग से ही आप समझोगे कि भाई इस तरीके को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अंग की बात करते हैं। आठ अंग में सबसे पहले हम बात करेंगे चरण, पद या पाद। पहला अंग है चरण कह सकते हैं, पद कह सकते हैं। ये चरण पद है क्या? जब किसी भी छंद को हम देखते हैं तो वो चार अंगों से या चार पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, जब आप इस पंक्ति को देखोगे तो इस पंक्ति को चार भागों में बांटा गया है। कैसे? जब आप बोलेंगे ना रहीमन पानी राखिए एक, बिन पानी सब सून दो, और पानी गए ना उबरे तीन, और मोती मानस चून चार। तो एक दो तीन और चार, ये चार भागों में बांटा है। तो ये जो प्रत्येक भाग होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? चरण। तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं, ठीक है, तो हम उनको चरण कहेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे छंद हो सकते हैं जिसमें एक चार पंक्ति हो, एक दो तीन चार, ठीक है, ये तो दो पंक्ति वाला है, दो लाइन वाला है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? चार, चार पंक्तियां, तो इसमें कितने चरण होंगे? या आठ, चार या आठ, चार ही होंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है कि चरण कितने ही होंगे, चाहे वो दो पंक्ति वाले हों चाहे वो चार पंक्ति वाले। यदि दो पंक्ति में होंगे तो हम
एक पंक्ति को कट करेंगे और दो निकल आएंगे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कितने हैं, चार पंक्तियां हैं, तो चार हो जाएंगे। किस किस को सच बताना समझ में नहीं आया, हाथ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से समझा दूंगा, नहीं आया समझ में, ठीक। देखो, कोई पंक्ति या कोई भी छंद जो है वो या तो दो लाइन का होता है या तो चार लाइन का होता है, ये तो क्लियर है। कोई भी छंद होगा या तो दो पंक्ति का होगा या तो चार का होगा। अभी मैंने बताया था ना, एक संस्कृत में सुनाया था, सबिंदु सिंधु सुष्कला तरंग भंग रंजितम, दुशस्सु पाप जात जात कारी बारी संयुतम, कृतांत भूत काल भूत भीतिहारी बरमदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कितनी लाइन थी, चार लाइन थी। तो इसमें यदि मैं छंद को आइडेंटिफाई करूं तो कितने होंगे, चार ही होंगे, लेकिन हर एक लाइन में एक चरण होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। दूसरा, यदि मान के चलिए वो चार लाइन का नहीं है, केवल दो लाइन का है, तो हमें तो चार चरण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम बीच में से कट करेंगे। एक लाइन को आपने कट किया तो ये दो हो गए, और यहां पर आपने कट किया तो यहां पर दो हो गए, तो बने कितने, एक दो तीन चार। तो कुल मिलाकर चाहे वो दो लाइन का हो चाहे वो चार लाइन का हो, लेकिन चरण कितने होंगे, चार ही होंगे। अब हुआ क्लियर कि अभी भी नहीं हुआ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो इसमें एक लाइन लिखो, दूसरे प्रमुख आचार्य कालिदास भी माने जाते हैं। हाँ बेटा, आचार्य बहुत सारे हैं, और एक्चुअल में कालिदास आचार्य नहीं रहे हैं, कालिदास कवि रहे हैं, तो मुख्य हम आचार्य रूप में, आचार्य परंपरा में उनको नहीं मान सकते, ठीक है। और कोई यहां पर, हाँ लिख रहे थे आप, इसमें लिखिएगा, प्रत्येक छंद को मूलतः चार भागों में बांटा जाता है, मूलतः चार भागों में बांटा जाता है। चार भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं, उसके प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं, उसके प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। लिख लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और देखो, चलिए बताइए कितने चरण है इसमें, चार। पहला चरण कौन सा है, कनक कनक ते सौ गुनी, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, और तीसरा चौथा, वाह वाह। पहला है कनक कनक ते सौ गुनी, दूसरा मादकता अधिकाय, तीसरा बा खाए बौराय जग, चौथा बा पाए बौराय। अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और, यहां पर जितनी क्लिष्ट लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप कैलकुलेट सही करते हैं तो कोई भी आपको पंक्ति दे दे आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह मत सोचना कि सर हमें तो इसका अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं अर्थ का, हमें तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। यदि आप कैलकुलेट सही कर पाओगे तो आप सही निकाल पाओगे, जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह। अब यदि यहां पर तेरह ग्यारह का पैटर्न है तो नीचे भी तेरह ग्यारह का होगा, तो देखना दो दो चार
पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, दो दो चार दो छह सात आठ नौ दस ग्यारह, तो ये पैटर्न चलेगा। अब आप कहोगे सर ये आप गिन कैसे रहे हो, सिखाएंगे, ठीक है, कैलकुलेट करना भी काउंट करना भी सिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसको कैसे काउंट किया जाता है। तो आपको ये पैटर्न मिलेगा, आप किसी में भी जाकर देखेंगे आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट अभी बस ये देखना है कि यहां पर जो भी पैटर्न होता है वो एक जैसा चलता है। जब आपको 13 11 का पैटर्न मिल रहा है ना, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सा छंद है, दोहा है, ठीक है। अब ये भी आपको लग रहा है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, दो दो चार दो छ दो आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह, दो दो चार दो छ दो आठ दो दस और एक ग्यारह, तो ये भी कौन सा है, बस ऐसे कैलकुलेट करना। हाँ दो ही काउंट करना है, अब वो मैं बताऊंगा ना आगे क्यों दो काउंट करते हैं, उसका कारण बताऊंगा कि दो काउंट क्यों किए हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये व्यंजन पे नहीं चलता, ये केवल स्वरों पर चलता है, और ये जो है ना ए वो छोटा नहीं है, बड़ा ही है। छोटे में आते हैं आ ई उ री, इनमें गिनते हैं एक आ ई उ ए आई ओ औ, इनमें गिनते हैं दो। तो ये जब होंगे तो एक गिनेंगे, जैसे इसमें छोटा इसमें छोटा इसमें छोटा, कितने गिने तीन, इसमें छोटा इसमें छोटा इसमें छोटा, कितने तीन। देखो इसमें एक ही मात्रा है, अब एक ही मात्रा एक्चुअल में कौन सी लगी है? ये वाली, तो देखो ये एक ही मात्रा है, कितने गिनेंगे दो, ठीक है। फिर औ की मात्रा, औ की मात्रा भी कहां है दो, फिर छोटा ऊ एक और बड़ा ई दो, तीन और तीन छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। नीचे भी देखोगे ऐसे ही होगा काउंट, वो बता दूंगा अभी, ठीक है, वो काउंट वो वर्ण मात्रा देखेंगे। अभी केवल हमें यह समझना है कि यहां पर चरण या पद क्या होंगे, हर एक छंद में चार भाग देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, लग तो नहीं रहा कि समझ में आ रहा है, खाओ विद्यारानी का समारा है सब समझ में। मैं एक बार और बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। और आप लोगों से बस इतना और निवेदन है कि इसकी क्लास मत छोड़ना, ठीक है। बाकी सब जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो एक आध दो क्लास में दिक्कत आ रही है तो अपन नहीं आए क्लास में, ये इसकी क्लास पूरी लेना, क्योंकि इसका एक एक अंग जो है ना वो बहुत काम का है। यदि ये हो गया तो पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे आप, यहां से एक क्वेश्चन नहीं कटेगा। और ये आप कोशिश करोगे ना कि आप खुद किताब से पढ़ लो तो नहीं आएगा समझ में, ये लिख कर दे दे रहा हूं। आप सोचोगे कोई किताब ले लेंगे उससे आप पढ़ लोगे, या मेरी ही किताब ले लोगे उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक कोई बताएगा नहीं कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो इसकी क्लास मत छोड़ना, बाकी जो लगे आपको क्लास छोड़ सकते हो, इसकी क्लास मत छोड़ना। छह सात दिन का ये पूरा रहेगा, छह सात दिन में अपन पूरा छंद कर लेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ नहीं 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 ये बस ये पूरा का पूरा एक्चुअली एक दोहा है, एक है। हाँ ये दो लाइन वाला है, कुछ होते हैं दो लाइन वाले और कुछ होते हैं चार लाइन वाले, तो ये दो लाइन में है। अब जब दो लाइन में है तो हमारे पास चरण चार होने चाहिए, तो हमने उसको काट दिया। जैसे एक माँ को अपने उसके चार बेटे हैं, ठीक है, उसके पास दो रोटी है, तो वो क्या करेगी, आधी आधी करके दे देगी, तो वो आधी आधी करे। अच्छा उसके पास चार रोटी है पहले से ही, तो एक एक दे देगी, काटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर वही हो रहा है, यहां पर चार बेटे हैं और यहां पर दो बेटे हैं, जब दो सॉरी दो रोटी हैं, तो जब दो रोटी होंगी तो उसको काट के दे देंगे, तो वो कितने बन जाएंगे, चार, चारों में बट जाएगी, यहां पर भी चारों में। ये होते हैं, छह वाले भी होते हैं, बट मैं वो अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी दिमाग आपका जो है वो हैंग हो जाएगा, तो अभी जितना सह पाओ उतना ही बता पाऊंगा। जब धीरे धीरे आगे जब आप यूज टू हो जाओगे छंद से, तब मैं आपको वो छह वाला भी हथौड़ा मार दूंगा, बट अभी नहीं कर रहा हूं, इतने में तो लोगों के चेहरे बिल्कुल अपच ना हो जाए बस।
तो अभी बस इतना ही समझो कि चार चार वाला, इसमें एक लाइन लिख ली ना आपने, एक और लाइन लिखो सेकंड नंबर की इसमें ही। इसमें आप लिखो जो छंद दो पंक्तियों के होते हैं, जो छंद दो पंक्तियों के होते हैं, जो छंद दो पंक्तियों के होते हैं जिनमें प्रत्येक पंक्ति में दो चरण होते हैं, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में दो चरण होते हैं, उस पंक्ति को दल कहा जाता है। अब एक नई टर्म यहां पर देखने को मिली और वो है दल। दल कहा जाता है। अब इसको समझो ये दल क्या है। इन्होंने कहा कि जब एक पंक्ति में दो चरण होंगे तो क्या चार लाइन वाले छंद में एक पंक्ति में दो चरण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये दो लाइन वाली पंक्ति में एक पंक्ति में दो चरण हो सकते हैं? हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे यहां पे। तो यहां पर एक है और यहां पर दो है, दो हैं। तो जब ये किसी पंक्ति में दो चरण आते हैं तो उस पूरी की पूरी लाइन को क्या कहते हैं? दल। तो आप मुझे बताओगे कि दो पंक्ति वालों में कितने दल हैं? दो दल हैं। और चार पंक्ति में कितने दल हैं? अरे दल ही नहीं होते इसमें। मैंने अभी क्या बताया था आपको, इसमें दल होंगे ही नहीं। दल किसमें होंगे? दो लाइन वाले। इसमें बताओ कितने दल हैं? दो दल हैं। पहला कौन कौन सा? कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, पहला। दूसरा बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए, दूसरा। आए समझ में? ठीक। तीसरी पंक्ति इसे मैं लिखू, यहां से आपका थ्री मार्कर बन सकता है जो मैं अभी यहां पर लिखवा रहा हूं। चरण के दो प्रकार होते हैं, यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है चरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। चरण के दो प्रकार होते हैं, चरण के दो प्रकार होते हैं। पहला विषम चरण, दूसरा सम चरण। पहला विषम चरण और दूसरा सम चरण, बहुत इजी है। ऑड इवन नंबर पता है हमें, ऑड नंबर मतलब एक तीन पांच सात, ठीक है, और इवन नंबर दो चार छह आठ, ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास चरण कितने हैं टोटल? चार, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इन चारों में आप बताइए सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो और चार, तो ये कौन से चरण होंगे? सम चरण। और इसमें विषम संख्याएं पहला और तीसरा, ये होगा। अब चलो इसे यहां आकर देखते हैं, इसमें बताओ सम चरण कौन सा है, विषम चरण कौन सा है? कनक कनकते सोगुनी विषम चरण, ठीक है। मादकता अधिकाय कौन सा? सम चरण। वाक हाय बोराय जग विषम चरण, और बाप आए बोराय सम चरण, बहुत इजी है। चरण इसमें भी होंगे, चरण इसमें भी होंगे, चार पंक्तियों वाले में। हाँ जी, समझा नहीं क्या? हाँ, कैसे पहचाने? नंबर्स पता है ना हमें, जैसे ये वाला आप देखो, ये पहला है या दूसरा है? पहला है पक्का, तो हमने लिख दिया एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब पहला और दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा, ये सम होती सम संख्या है विषम, तो ये विषम हो गए।
दो और चार सम या विषम, सम, ये सम हो गया। अब जैसे ही यदि हम चार पंक्ति वाला कोई देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक, इसमें बताइए सम कौन सा है, सॉरी विषम बताइए पहले, ये कौन सा है पहला और तीसरा, ये क्या होगा विषम, और दूसरा और चौथा सम, इसमें भी बिल्कुल सेम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चरण क्लियर है, बस ये तीन पॉइंट याद रखना है, पहला चरण है क्या, तो चरण क्या है, प्रत्येक छंद चार भागों से मिलकर बना है, चार अंगों से मिलकर बना है, और इसके प्रत्येक अंश को चरण कहते हैं। दूसरा, यदि एक पंक्ति में दो चरण होते हैं तो उस पंक्ति को दल कहते हैं। तीसरा, चरण के दो प्रकार होते हैं, पहला दूसरा, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा समचरण। बहुत क्लियर है, ठीक, चलो ठीक। देखो इस वाली लाइन में बताइए कितने चरण है, पक्का कौन कौन सा, हाँ क्या बोल देते हो तुम लोग, मक्खी मक्खी की तरह जो है भिन्न भिन्न, कुछ लोग तो ठीक है, इसमें चार चरण है, पहला कौन सा है मंगल भवन अमंगल हारी, दूसरा द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तीसरा दीन दयाल विरद संभारी, चौथा हरहु नाथ मम संकट भारी। ये तो क्लियर है। दूसरा, क्या इसमें दल होंगे या नहीं होंगे, कितने दल होंगे, पहला दल कौन सा है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पहला, दूसरा कौन सा दल है दीन दयाल व्रद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये भी क्लियर है, दल भी हो गया। क्या इसमें चरण है, मतलब चरण के प्रकार हैं, है कौन कौन से होते हैं, वैसे सम और विषम। अब यहां देखो नंबर ही मैंने लिख दिए तो नंबर से ही समझ में आ जाएगा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, आ रहा है समझ में, तो ये है आपकी चरण की कहानी। एक चार पंक्ति वाला भी देख लो,
ये कितनी पंक्तियों वाला है? चार बार। इसमें दल होंगे क्या? नहीं होंगे। अच्छा चरण तो होंगे, पहला। चलो कम से कम आज तो प्रार्थना निकलेगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चरण है इसमें, दल नहीं है, क्योंकि एक पंक्ति में दो चरण जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, हर पंक्ति में एक चरण है। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रकार हैं क्या चरण के? बिल्कुल होंगे। पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम। क्लियर यहां तक? अब तो दिक्कत नहीं होगी ना, दो पंक्ति वाला है, चार वाला है, दो वाला ही बता दिया, चार का भी बता दिया। बताओ ठीक। चलो अगला है इसके बाद में, सेकंड नंबर है वर्ण और मात्रा। ठीक है, वर्ण और मात्रा इसमें लिख लो। ये पूरे छंद का बहुत आवश्यक तत्व है, बहुत प्रमुख बिंदु है, क्योंकि यहीं पर आप काउंट करना सीखेंगे कि वर्ण को कैसे काउंट करना है और मात्रा को कैसे काउंट करना है। यदि वर्ण को काउंट करना सीख गए तो आपसे वर्णिक छंद बन जाएगा, और मात्रा को काउंट करना सीख गए तो मात्रिक छंद बन जाएगा। और ये छंद के दो प्रमुख प्रकार, ठीक है, वैसे चार है लेकिन प्रमुख प्रकार वार्णिक और मात्रिक है। बाद में धीरे 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 आचार्यों ने बढ़ा के दिए, उसमें वो देखने को। ठीक है, तो कल की क्लास में हम वर्ण और मात्रा के बारे में समझेंगे। जो आज पढ़ा है वो कल रिवीजन करके आना, मतलब आज ही रिवीजन करके आना। कल अपन जो है वो पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे जो पढ़ा है, उसके बाद फिर अपन ये देखेंगे। क्लियर है? और जिसको समझ में नहीं आया हो आज, वो कल पूछ लेना, मैं कल बता दूं, या बाहर आके पूछना, बाहर पूछ ले। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।